वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिख चैनल दे सत्कारयोग दर्शको आप जी दा धन्नवाद करदे हां अज दे इस प्रोग्राम दे विच। अज दा प्रोग्राम आधारित है एक खास रिपोर्ट जो कि आपां नूं प्राप्त हुई है कि भारत दे विच जो 1992 दे नेड़े कोई सिख तीर्थ यात्री जिहड़े आ ओ जा रहे सन किते यात्रा ते 91 दी गल कही आपां जुलाई 12 1991 दी, माफ करना, वो तीर्थ यात्रा तो वापस परत रहे सन यूपी जो कि स्टेट है भारत का, उस दे विच तां एक जगह ते किते उन्हां दी आ रही बस नूं रुकवा के वड्डी गिणती विच जो पुलिस दी उत्थे भीड़ सी उन्होंने 11 सिखां नूं बस दे विच्चों उतार लिया सी ते वक्खो वक्खरे जिहड़े उस इलाके दे थाणे आ उन्हां दे विच उन्हां दे झूठे मुकाबले बना के उस एरिए दे विच उन्हां नूं मार दिता गया। उस घटना तो बाद एक FIR जो कि कुछ FIR भी दर्ज हुई तो RS Sodhi जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक अर्जी दायर की थी कि CBI की पड़ताल की जाए भी ये झूठे मुकाबले किए गए हैं। आओ इस गलबात अगे वधाते हाँ। मेरे नाल बड़े सत्कारयोग सरदार सरदूल सिंह जी मरवाहा जुड़ बैठे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मरवाहा साहब, तुम इंग्लैंड की धरती से बड़े चिर तो रह रहे हो तो खासकर कानूनी दा पेचां दे नाल जां पब्लिक समस्यावां दे विच तुसीं काफ़ी अपना वाह वास्ता रखिया। जदों इहो जिहियां घटनावां हुंदियां ह्यूमन राइट्स की गल आउंदी आ सिख कौम दे नाल कौमी तौर पर कह लो उन्हां दिनां दे विच पंजाब दे विच भारत दे विच सरकारी मीडिया दब के सिखां दी अतवादी होण दा ठप्पा ला रहा सी, ठीक है जी। उन्हां दिनां विच इह घटना वापरी 25 साल होण तों बाद गल हो रही है कि 47 पुलिस वाले 47 पुलिस वाले जिहड़े आ उन्हां नूं कन्विक्टिड जिहनां नूं दोषी करार दित्ता गया, हाँ जी। तो उन्हां दे विचों तकरीबन यह कहा जा रहा है कि 20 तां उन्हां ने फड़े हुए हैं तो जिहड़े बाकी आ 27 वह अजे फड़े नहीं गए तो उन्हां दे विच मतलब उन्हां नूं बिना बेल तो उन्हां नूं गिरफ्तार करन दे ऑर्डर कीते आ। मैं तुहाडे तक आउणा आ, इक कॉल मेरे खापा लै लईए अमर सिंह चाहल एडवोकेट ने पंजाब तो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चाल साहब जी आया नूं सिख चैनल ते तुसीं अपना वक्त कढ़िया ते जो ये खबर आपां नूं मिल रही आ कि 47 जो पुलिस वाले कन्विक्ट कीते ने फेक एनकाउंटर दे विच, तुसीं इस घटना बारे की जानते हो, संगतां नूं की सांझ पाउणी चाहुंदे हो? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਬੱਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰੇ ਆਦਮੀ ਘਰੋਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਦਲਾ ਬਹੁਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ 25 ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ। ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਕੇਸ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੋਈ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮਿਲੀ ਜੇ ਕੋਈ MP ਮਿਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ बिना बेकसूरे सिर्फ तरक्कियां दी खातर जिस तरह के वड्डा पक्क ही विच आउंदा होएगा सी दे उदों सिखां दे खिलाफ एक माहौल सिरजा जा चुका सी 1984 दीआं घटनावां हाँ जी दिल्ली दा कतलेआम कई कुछ करके जो मीडिया सरकारी तौर पर भी जिस तरह के सिख अतवादी लफ्ज़ यूज़ करना हालांकि अतवादी तो अतवादी हों जे कोई इस जो काम करता पर उसकी कौम का ना क्यों ना लिखा जाए तुम की सोचते हो ये जो वर्तारा वापरिया ये साड़िया सरमौर जथेबंदियां खासकर इतने भी तो उत्थे भी कि अपने की फर्ज बनते मैं हूँ अपने चाल साहब दलां जी सुन रहा हैरान होंगे कई बार असं ये गल जब देखते हैं कि किसी भी सड़क पर वह धरती जिहड़ी जिस धरती असं प्यार करते हैं जिन्हों असं याद करते हैं जिन्हों गुरुआ पीर की धरती कहने हैं जिन्हों पवित्र धरती कहने हैं बहुत जगह के उत्ते यहोजे लोग मैं तो उन्होंने दरिंदे ही कहाँगा जी जिन्होंने असं बारबेरियन कह दें तो वो बारबेरियन लोग है चाहे वह पुलिस भर्ती होए तो चाहे वह उदा तुरे फिरते हैं जी जो फिर जो कानून तो बाहर हो के कोई काम करता है तो फिर देखो वर्दियां पाई कानून के राखे ने जिन्होंने राखे कितों ने यह तो सब तो ज्यादा भैड़े ने जी जे क्योंकि जे राखे होण ते फिर ते काम मेरे ख्याल सही हो सकदा मतलब इन्ना सोहना मुल्क जिथों के भगती दीआं लहरां उठियां जिथों के वख वख धर्मां दे उत्थान होए संतां पीरां भगतां दी जगह भारत देश जिहड़ा उत्थे इहो जिहियां घटनावां पर जिहड़ा हुण देखो ना भी जदों तुहानूं पता है भी इह बंदे आ रहे ने चाहे पटना साहिब तों हजूर साहिब तों वापस आ रहे ने है जी ते उस बस दे विच बैठे ने किसे दे कोल कोई हथियार नहीं किसे दे कोल कुछ नहीं है ते तुसीं कढ के मारने पर जानी ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਚਾਰ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਕੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀਲਾ ਤਕੜਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਘਰਬਾਰ ਤਕੜਾ ਘਰਬਾਰ ਤਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀਲਾ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਕੀਲਾ ਤਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀਲਾ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕੜਾ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਨੇਰ ਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜੇ ਹਨੇਰ ਗਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਇਹ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿੰਦੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ
उन्होंने फिर हिफाजली गवर्नमेंट के जेडे अपॉइंट किए हुए थानेदार पुलिस मैजिस्ट्रेट जजेस राइट वह पहली तो गल तो हम सी बी आई रिपोर्ट करेगा तो हम चलो पुलिस की सी जे इतने की किसी किसी जगह गल हो ना हम मिडलैंड हुई है ना उन्हें यॉर्कशायर के पुलिस को इतने की इनवेस्टिगेशन कार्रवाई भेज देना दूई फोर्स में जिन्होंने भी उत्तर कोई इंपार्शियलिटी जी पार्शियलिटी ना हो सके हाँ जी हाँ जी सो ये चीज है काफ़ी ढिली लग गई मैं हाँ जी तो इस करके ये चीज़ें जी है ना इन्हों बड़ी दूर की गल है क्योंकि 25 साल देख लो एक कहना है एक कहना सौखा मैं तो कहना जी ताणी उलझी हुई ना उन्होंने जोड़ा सुलझाना बड़ा औखा है वो ताणी उलझी हुई है असं तो कहते पंजाब की गौरमेंट की गल है ये तो मेरे ख्याल भी ताणी उलझी है सारे पास चलो आखिरी थोड़े वाल आइए क्योंकि समा भी अगर वादा जा रहा नहीं जी बिल्कुल तुम जल छक सकते हो क्योंकि गला थोड़ा जा अजकल मौसम भी यहोजा तो क्योंकि जो हालात बने मरवाह साहब उत्थे 25 साल का समा बीत गया अजे उन्होंने 4 अप्रैल नू सेंटेंस जी सज़ा सुनानी आ हाँ जी कन्विक्ट उन्होंने कर लिया 47 पुलिस वाले संगत जी ज सिख चैनल देखने वाले कोई भी जो सिख चैनल देख रहा इस वे 47 पुलिसमैन इज नॉट अ स्मॉल थिंग कितनी वड्डी गिनती होगी तुम सोच के देखो है ना हुण आखिरी आप गल करिए इहो जिहे इंसीडेंट्स नू रोकण वास्ते कि इहो जिहे पुलिसमैनां नू जिन्हां नू अपने लालच खातर दूजिया लोगों मारन दा इन्हां दा चस होवे आपां बाहरले मुल्कां च बैठे जां सिख कौम की करे किन्ने क आपां इकट्ठे आ की एकता दी सानूं जरूरत है कि नहीं देखो जी एकता तो असं बहुत सालों तो कहने साड़ी एकता होनी चाहिए एकता होनी चाहिए है कुछ सिद्धांतक मुद्दों से तो हो बस ये देखो जी मैं देखो बहुत बारी ये गल कह चुके हैं जिससे साढ़े धार्मिक काम जड़े होने वो हो ही जाने पर असी सानू यो जे सोशल काम है जोड़े योजे क्रिमीनल एलीमेंट्स है उन्हों वास्ते ये जितने अस बहरों प्रैशर नहीं ना पाते उन्नी देर गल नहीं बननी पर दूजी मैं एक फाइनली आह जी अटैच जरूर गल करनी चाहना भी जे 4 अप्रैल नूं इह सेंटेंस हो भी जाणगे किन्ना सेंटेंस देणगे उहनां नूं इह उहनां दे हत्थ रब अपने रब दे हत्थ नहीं जज दे हत्थ है पर देयर इज नो कंफर्ट फॉर द फैमिलीज जिन्हां दा नुकसान जिन्हां दे जिन्हां दे घर दे प्यारे ओह चले गए ने इनोसेंट मारे गए ने उहनां नूं की कंफर्ट है की कंपनसेशन है उहनां वास्ते ओह तां मुड़ के नहीं आउणे ओह जेल कर भी देणगे ते हुण हो सकदा मूँह चोपड़ ने किसी 5 साल किसी 8 साल किसी 10 साल कर भी देंगे तो वह भी हाफ हो जाएगी तो पर मतलब ये एक दिन वाइट वाश की आई गल हैगी है बट ये चीज़ जी है जिसे जे अंदर जड़े दुख जोड़ा होंगे ना तकलीफ जिस चीज़ की होंगी है वो है वाई इट्स टेकन सो लोंग नंबर 1 नंबर 2 तो उन्होंने सेंटेंस जोड़ा वह कि होना वह नहीं पता नंबर 3 फाइनल विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैमिलीज है उन्होंने की कंफर्ट मिलेगी कोई कंपनसेशन नहीं कोई कुछ नहीं यही होएगा जी हाँ जी असं उन्होंने जेल करती है जी वो फड़ लै राइट सो योजे इंसीडेंट खरिया होर कि हो जाएंगे हम ये जो रास्ता है मैंने तो नहीं पता नहीं तुम्हें दसिया मैनू भी ये यूपी जी पीली पीली भीत हम इस पास ये इलाका है जो ये राह है जिस तरह नानक मत्ते मत्था टेक के आने ना जो ऋषिकेश वाले पास्यों संगत मत्था टेक के आदि आ तो इस रस्ते की लंघ दया फिर अगे प पाउंटा साहब वालू जाके पंजाब फिर दस उही गल दिन हाउ सेफ इज इट फॉर द फ्यूचर कहा कुछ नहीं जा सकता जिस तरह अमर सिंह ने भी कहा कि उत्थे आपां समाप्ति वाल नूं वध रहे हां रिपोर्ट फिर दस दे जाइए कि 47 पुलिस वाले जिन्हां ने कि 11 सिखां नूं जुलाई 1991 दे विच बस तो ला के यात्री सन जो कि गुरधामां दे दर्शन करके आ रहे इनोसेंट बेकसूरे उन्हां नूं मार दिता गया सी 25 सालां बाद न्याय की आस कोई किरण जागी है जिन्हां विचों 47 पुलिस वालियां नूं उन्हां ने दोषी करार दिता आ ते सजावां उन्होंने 4 अगस्त अपनी अप्रैल में दित्तियां जाणगियां पर मरवाह साहब इत्थे गल आउंदी आ कि जिस तरह चंगे लीडर अगर होण कोल ते उह तां सच दी आवाज़ जरूर उठाउणगे ते फिर इहदा मतलब इह वी आ कि पंजाबियां दी खासकर सिखां नूं जदों वोट पाउण दा ही नहीं पता कि किस धिर नूं वोट पाउणी आ ते नुकसान खुद अपना आप नहीं करवा रही साडी बिल्कुल बिल्कुल जी डेमोक्रेसी इज़ अ वंडरफुल थिंग इफ इट वर्क्स फॉर यू सिंपल एज़ दैट जे हुण डेमोक्रेसी असीं कहिंदे आ कल नूं फिर शराबा वरताई जाएगी ड्रग वरताए जाएगी वो वरताने वोटा लिया जाएगी जे
उत्थों का इंसान अपनी वोट की कीमत समझता हो गया, उस सोच के कहे भी ये केड़ी पार्टी है, केड़ा बंदा सानू तरक्की वाल लैके जाएगा। सच्चे सच्चे इंसान चंगे इंसान अगे जो लिया जाए। मुराद साहब इस पास गल कर रहे हैं, तो मुराद साहब इतने बैठे जो सिख ने इस तरह की खबर सुनते हैं कि तुम्हें लगता साढ़ा भी कोई फर्ज बनता अपने उत्थे बैठे भैन भरावान रिश्तेदार कहीए कि भाई चंगी सरकार अगे लियाओ नहीं तो क्योंकि मौसम की खराबी करके मुराद साहब क्योंकि अंदर बैठे इतने गर्मी भी होंगी है। बहुत धन्यवाद आप जी का साथ देने वास्ते, तो मुराद साहब बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हें समा क्या तो सेहत थोड़ी ठीक नहीं सी, परमात्मा अगर अरदास करते तुम छेती ठीक होवो तो हुई भुला चुका खिमा करने जी। अपने मन को झाती मारीे कि आप किस तरह के लोग अगे लियाने वो लीडरशिप अगे आए जी सच की आवाज़ उठावे योजे दरिंदा जेल दलाखा पिछले लैके जाने वाली होते रहना सिख चैनल। फिर मिलेंगे जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।